बेटा लास्ट लेक्चर में जो बताया था उसमें से कुछ पूछना है। बेटा सबको आवाज तो मेरी आ रही है ना? यस सर। अच्छा बताओ, लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था उसमें से कुछ पूछना है? सर वो असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस थे। एक बार आप दोबारा। बेटा असाइनमेंट तो अभी मैंने होमवर्क के लिए दिया नहीं था, आई थिंक आप रेगुलर करते रहो, ठीक है? किसी को कुछ डाउट है जो ग्रुप में भेजा नहीं है किसी बच्चे ने, तो आपको जो भी डाउट होगा बेटा आप ग्रुप में भेज दिया करना, बट और नीचे लिख देना सर क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा, तो मैं उसको क्लास में डिस्कस कर लिया करूंगा, ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक है, ऐसे कुछ लेक्चर में मैंने अगर पढ़ाया हो आपको, थ्योरी में कुछ पूछना हो, जैसे करवेन ने मोल निकालना सिखाया था आपको, उसमें से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या डिफरेंस था? बेटा ऑलमोस्ट सेम चीज है, एटॉमिक मास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब इंक्लूड करते हैं, मास नंबर में सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखते हैं। सिर्फ मास ऑफ मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर ऐसे कह लो सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास देखते हैं। ठीक है बेटा, ठीक। किसी को कुछ और पूछना चले? ठीक है, फिर कुछ मैं आपको देखता हूँ, आप लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करें। कैलकुलेट मास ऑफ CO2 इफ इट कंटेन चलिए बेटा इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ये बताओ बताओ बेटा आंसर क्या आ रहा है?
एक्चुअली एक बच्चे का आंसर है 4.4 ग्राम, और बाकी का आंसर 8.8. आपसे क्या कहा हुआ है 12.04 × 10²22 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है, यानी नंबर ऑफ एटम आपको गिवन है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम गिवन है कितने हैं 12.04 × 10²22. यदि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करें आप ऐसे, चलिए आपका ये ऑक्सीजन एटम टोटल कितने हैं 12.04 × 10²22. ये बताइए O2 अगर फॉर्म करना, यानी अगर मैं कहूँ O2 मॉलिक्यूल कितने बनेंगे इससे, टोटल नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, आप क्या करोगे 12.04 × 10²22 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितने O2 मॉलिक्यूल बनेंगे 6.02 × 10²22. कितने O2 मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है सबको क्या किया मैंने? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमें पता चल गया नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल कितने हैं, तो आप यहां से ये देख के बता सकते हो जितने नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल होंगे उतने नंबर ऑफ CO2 होंगे आपके पास, यानी नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल जितने होंगे दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, सही है? ठीक है, यानी आपको नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल कितना दिया है दैट इज इक्वल टू 6.02 × 10²22. अब मोल्स ऑफ CO2 आपको निकालना है, 6.02 × 10²22 डिवाइडेड बाय Na से डिवाइड करते हैं, 6.02 × 10²23 इसे करके कितना बचा है 1/10 मोल, ठीक। एक मोल का मास कितना होता है 44 ग्राम, वन मोल का मास इसके बराबर होता है 44 ग्राम, आएगा निकाल के देख लेना 12 + 32 = 44 ग्राम, 1/10 मोल का मास कितना आएगा 4.4, ये आपका आंसर है। चलो बताइए किसे कुछ पूछना है इसमें सर, 12.04 × 10²22 को 2 से डिवाइड क्यों किया अपन ने? बेटा O2 की फॉर्म बनाने के लिए, जैसे मैं कहूँ आपके पास 20 ऑक्सीजन एटम है, अगर मैं O2 बनाना चाहूँ तो कितने O2 बना सकता हूँ, 10 10 बना सकता हूँ ना? तो क्योंकि मुझे CO2 में O2 चाहिए, अगर वहाँ CO3 होता तब मैं इधर O3 बनाता, क्योंकि मैं अपने कंपाउंड के अकॉर्डिंग फॉर्म कर रहा हूँ ना, मुझे पता है कि जितने मैं O2 बनाऊंगा उतने ही नंबर ऑफ CO2 होंगे, अगर वहां पे H2SO4 होता रहा तो मैं 4 ऑक्सीजन का पेयर बनाता। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलिए और किसी कुछ डाउट बेटा? इसीलिए मैंने नंबर ऑफ O2 लिया है, तो जितने नंबर ऑफ O2 बनेंगे CO2 में उतने ही नंबर ऑफ CO2 बनेंगे आपके।
ठीक है चलिए सर। फिर ये मोल के लिए डिवाइड क्यों किया बेटा? आप ये करोगे ना, जो आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है आपको मोल्स चाहिए, तो एनए से डिवाइड करते हैं ना। कल मैंने बताया था ना आपको। यस सर यस सर यस सर यस सर। वेरी क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए अब आपको लिख बताइए। हाँ, 147 ग्राम ऑफ 147 ग्राम ऑफ H2SO4 कंटेन ए पार्ट टोटल नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, बी पार्ट ठीक। आप ए पार्ट में बता दो आंसर, बाकी मैं आपको वॉल्यूम पे लिख सकता हूँ, मोल में ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। आप बस ये ए पार्ट का आंसर बता दो। इसका नेक्स्ट सेटिंग है वॉल्यूम एट एसटीपी एंड एनटीपी। सर ये 147 है, 143 बेटा, 147 बेटा आंसर क्या आएगा? 18.06 इनटू 10 टू द 23 नहीं, हाँ शायद, हाँ ठीक है आएगा 18.06 इनटू 10 टू द 23 सही आंसर है। चलिए डिस्कस करते हैं आपके स्मार्टफोन से क्या करेंगे।
आपसे क्या कहा हुआ है 147 ग्राम ऑफ एसिटाइल सल्फ्यूरिक, 147 ग्राम ऑफ एसिटाइल सल्फ्यूरिक के नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो 147 डिवाइडेड बाय 98, ठीक है, इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 3/2 आता है, 3/2 मोल ऑफ एसिटाइल सल्फ्यूरिक, तो 3/2 मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल हो गए, तो 3/2 Na मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल सल्फ्यूरिक, ठीक है। अब एक चीज हमें पता है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2, ठीक है, यानी 3/2 Na मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में कितने आएंगे, दैट इज 3/2 Na मॉलिक्यूल, और हर एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, 2, 2 से 2 काट के आंसर क्या है आपका 3 Na के बराबर, Na की आप चाहे वैल्यू रख दो चाहे ऐसे ही छोड़ दो, दोनों के इसमें सही है। चलिए बेटा किसी कुछ पूछना है इसमें, नहीं ठीक है। चलिए अब अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, वॉल्यूम एंड एसटीपी एंड एनटीपी, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज आपका टेम्परेचर कितना होता है स्टैंडर्ड 273 केल्विन या फिर कह लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होता है 1 bar लिखा हुआ मिल जाएगा आपको या फिर 1 atm। अभी इसको मैं रिलेट करके बताता हूँ बार और एटीएम क्या होता है। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या फिर कह लीजिए इसका 293 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm, ठीक है, ये प्रेशर की वैल्यू लिखी हुई है 1 bar कह लो या फिर 1 atm, अभी आप सेम चीज कंसीडर कर सकते हैं। चलिए मिटा दो इसे बेटा, वैल्यू बताऊं आपको, देखिएगा वॉल्यूम ऑफ 1 mole गैस एट एसटीपी वो कितना होता है 22.4 liter, ठीक है, और सेम वॉल्यूम ऑफ गैस ये एसटीपी पर है
और एट एनटीपी पर कितना होता है 22.7 लीटर होता है, लेकिन आपको इसकी जगह क्या यूज करना है 22.4 लीटर ही यूज करना है, ठीक है। हम 22.7 नहीं यूज करेंगे क्योंकि आप पुराने जितने भी रेफरेंस बुक्स पढ़ोगे उसमें आपको 22.7 लीटर 22.4 लीटर पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो दोनों केस में एसटीपी एंड टीपी में दोनों केस में लेते अलग अलग सेम है, होती वैल्यूज अलग अलग है। ठीक, अब मैं आपको प्रेशर, अजी बेटा क्या हुआ, चलिए अब मैं आपको प्रेशर की टर्म्स समझाऊंगा। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। एक मेजरमेंट की यूनिट होती है एटीएम, ठीक है, एक यूनिट होती है आपकी बार। एटीएम का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब इसके बाद एक यूनिट आती है, दैट इज एसआई यूनिट, जिसको हम कहते हैं पास्कल। ठीक है, एक आपको मिला मिलेगा लिखा हुआ कुछ सेंटीमीटर ऑफ एचजी और एमएम ऑफ एचजी, और एक आपको यूनिट मिलेगी टॉर्क। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रिलेट करता हूँ एक दूसरे की यूनिट से। इसको ध्यान रखना, ये आपका एसआई यूनिट है पास्कल, एसआई यूनिट है। सबसे पहले समझो प्रेशर होता क्या है। तो प्रेशर होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको हम कहते हैं आपका प्रेशर। इसको ऐसे बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, जैसे मान लो एक हमारे पास ये आपके कंटेनर का ढक्कन है, गोल सा कुछ रहा होगा ऐसे स्फीयर, मतलब सर्कुलर फॉर्म में, इसके रेडियस आर है। मैं यहाँ 10 न्यूटन का बाहर से फोर्स लगाऊं, इसका मतलब प्रेशर 10 न्यूटन नहीं हो गया। प्रेशर हम क्या बताएंगे, प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, जितना हम फोर्स लगा रहे हैं कितना लगा रहे हैं 10 न्यूटन अपॉन इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, ये आपका प्रेशर रहेगा। मतलब आपके हर पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी, 10 बाय पाई आर स्क्वायर रहेगा। अब आते हैं इसकी यूनिट पे, यूनिट देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, सर न्यूटन, न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर, अभी हम न्यूटन यूज करते हैं, ठीक है न्यूटन। और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। यानी आपका जो प्रेशर यहाँ किसमें आएगा, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम क्या कहते हैं पास्कल। जैसे हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं, वैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं पास्कल कहते हैं। ठीक है, अब रिलेट करता हूं एक एक को समझिए। वन एटीएम की वैल्यू बराबर होती है 1.013 बार के, और इसी को हम अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 बार लिख देते हैं। ठीक, दूसरी वैल्यू होती है 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 10 टू द पावर 5 पास्कल, जिसको हम अप्रोक्सीमेट लिखते हैं 1.18 10 टू द पावर 5 पास्कल। अप्रोक्सीमेट की बात करते हैं,
लेकिन अगर मैं ये वन बार लिखना चाहूँ तो वन बार इज इक्वल टू 10^5 मास का होता है, इसमें अप्रोक्सीमेट करने की जरूरत नहीं आती। ठीक है, देखो 1.013 बार इज इक्वल टू 1.013 इनटू 10^5, 1.013 से 1.013 कट गया, सिर्फ 10^5। ठीक है, ये हमने एसआई वाला यूनिट का ये पास कर दिया। ठीक है, एक और चीज आती है, 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। ये बेटा अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको, गैसेस स्टेट में ये सेंटीमीटर वाली हाइट कैसे आती है इसको भी हम लोग समझेंगे। दैट इज अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, मिलीमीटर में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा, 760 mm आएगा। ये मिलीमीटर वाली यूनिट है, ये सेंटीमीटर वाली यूनिट है, तो दैट इज 760 mm ऑफ एचजी। ठीक है, इसी टर्म को हम एक और चीज कहते हैं, 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर के बराबर। ये प्रेशर के इतने सारे वैल्यूज हैं और सब आपस में रिलेटेड है और सबको हम यूज करना सीखेंगे गैस स्टेट वाले चैप्टर। चलिए अब समझते हैं आपका जो मैंने वैल्यू लिखाई थी उसको यूज करना। एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, जो वॉल्यूम है एसटीपी और एनटी में लिखाई है उससे परसेंट किसके लिए वैलिड है, गैस के लिए वैलिड है। सिर्फ गैस ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर, एक मोल गैस STP NTP 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। ठीक, चलिए आप समझते हैं, 1 मोल गैस कितना ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर। दैट मींस 1 लीटर कितना मोल गैस ऑक्यूपाई करेगा, 1/22.4 मोल। और अगर B लीटर ऑफ गैस आपने मिला दिया, दैट इज वो कितने मोल होगा, B अपॉन 22.4 मोल। ठीक, दैट मींस अगर हमें मोल चाहिए, मोल से अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस पे जाना हुआ, फिर से मेंशन कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ गैस किस पर, STP पर या फिर NTP पर। ठीक, अगर हमें मोल पता है, वॉल्यूम ऑफ गैस की तरफ मूवमेंट करना है, तो इधर से इधर जाओगे तो क्या करोगे, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे और इधर से इधर आओगे तो क्या करोगे, 22.4 लीटर से डिवाइड। एक मोल का वॉल्यूम कितना है, 22.4, दो मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 44.8, तीन मोल का कितना होगा, 67.2। तो देखो हर मोल में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ 22.4 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। चलिए बेटा नोट कर लिया,
चलिए अब मैं आपको एक वाई मैप बनवा रहा हूँ, ठीक है, आप उस मैप को ध्यान रखना। चलिए देखिए हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मूल, ठीक है। तो एक हमें हमारे पास हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, किससे, गिवन वेट से या फिर गिवन मास, गिवन मास है या फिर वेट हमको गिवन है, ठीक है। दूसरा आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब तीसरा हमने क्या पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी या फिर चलिए नंबर ऑफ मोल से गिवन मास पे अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, हम मोलर मास का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और गिवन मास से नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो क्या करते हैं, हम मोलर मास से डिवाइड, ठीक है। नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना हो तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम एट एसटीपी, तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम एट एसटीपी से नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो क्या करते हैं, 22.4 लीटर से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना हो तो क्या करते हैं, एनएस से मल्टीप्लाई, और नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो क्या करते हैं, एनएस से डिवाइड। ये आपका वाई मैप है, तो जितना पढ़ाया उसका ये क्रस फॉर्म है, आप इसको याद रखिएगा, मोल निकालने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, आप किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर आपको पहुंचना है तो आप सीधा नहीं पहुंच सकते, आपको नंबर ऑफ मोल वाले चौराहे से होके आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको किसी का गिवन मास या वेट गिवन है और आपसे उसका वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो बेटा बिना नंबर ऑफ मोल निकाले आप वॉल्यूम एट एसटीपी एनटीपी नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपका जंक्शन पॉइंट है, उस पॉइंट पे आपको आना ही आना पड़ेगा। चलिए नोट कर लिया, फिर आप क्वेश्चन दो। अब कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस at STP if it contain 96 gram of oxygen atom, ध्यान रखना atom लिखा molecule नहीं। चलिए solve कीजिए इसको,
268.8 63 नहीं बेटा दोबारा से देखो आंसर आएगा चलिए आपसे क्या कहा हुआ है वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस ठीक है इफ इट कंटेन 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम ये ध्यान रखना ऑक्सीजन एटम कहा है इसने O2 नहीं कहा हुआ है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को कितना दे रखा है वेट कितना दे रखा है 96 ग्राम यानी अगर मैं कैलकुलेट करूं मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने मोल आएगा 96 डिवाइडेड बाय 16 6 मोल आएगा अब एक आप ये बात बताओ अगर मैं कहता हूँ एक मोल CO2 में बेटा कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे 2 दो मोल ऑक्सीजन एटम होंगे दैट मींस ये जो मैंने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लिखा है वो सिर्फ एक एटम के लिखा है अगर मैं बात करता हूँ इसमें मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने 6 मोल अगर मैं बात करूँ मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल कितने हैं आप 2 से इसको डिवाइड कर दो कितने हो गए 3 मोल ठीक है तो जितने अब मैं वापस एक सवाल पूछता हूं एक मोल CO2 में कितने मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल है 1 ठीक है यानी 3 मोल ऑफ O2 में कितने CO2 मॉलिक्यूल होंगे मल्टीप्लाई कर देंगे एक मोल CO2 में कितने मोल O2 है 1 मोल ऑफ O2 है ठीक है दैट मींस 3 मोल ऑफ O2 में 3 मोल ऑफ CO2 होंगे यानी CO2 के हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चले कितने हैं 3 मोल है तो बेटा मैंने क्या बताया था अगर हमें मोल पता चल जाए तो आप उस चौराहे पे आ गए अब आपको क्या निकालना वॉल्यूमेट्रिक तो एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर तो 3 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 मल्टीप्लाई बाय 3 67. एक्सक्यूज मी सर हां जी बेटा सर हम डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कैसे 32 हाँ 32 से डिवाइड करके मतलब वो 6 मोल वाला ना करके डायरेक्ट 32 से डिवाइड करके 96 को बिल्कुल ओके सर थैंक यू
बेटा कहाँ से आपको समझ में नहीं आया ये पूछो तब बताओ कहाँ से इस पॉइंट से क्या किया आपने क्या सोचा था क्या आपको नहीं आया बेटा ऑक्सीजन एटम के नंबर ऑफ मोल्स अपना माइक अनम्यूट करो हिमांशु हाँ सर नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम जो निकाले 6 मोल इसमें डाउट है कोई नहीं सर चलिए यहाँ समझ रहे हैं एक चीज बताइए अगर मैं ऑक्सीजन एटम के आपके 6 मोल बता रहा हूँ तो अगर सबको पेयर कर दूंगा तो कितने मोल बनेंगे सर क्या अगर देखो ऑक्सीजन आइटम अलग अलग है तो टोटल ऑक्सीजन आइटम है 6 मोल है अब मैं सबको पेयरिंग कर दूं मतलब O2 O2 की फॉर्म में करने लग जाऊं तो कितने टोटल मोल बनेंगे 3 बनेंगे सर 3 ठीक है तो 3 मोल मैंने लिख दिया हाँ ठीक है अब ये बताओ एक CO2 में से कितने O2 मिलते हैं मिलेंगे सर सर क्या सर एक CO2 में से कितने मोल ऑफ O2 मिलेंगे सर एक मिलेगा सर सर वन मिलेंगे वन मिलेगा ठीक है हमें ये पता है कि बस 3 मोल ऑफ O2 है ठीक है तो आप उसे CO2 से रिलेट कर सकते हो ना हमें ये पता है कि 1 मोल CO2 से 1 मोल O2 मिलता है यानी दोनों के नंबर ऑफ मोल हमेशा बराबर चलेंगे यस सर 1 मोल CO2 से 1 मोल O2 है अगर 3 मोल O2 रहा होगा तो CO2 कितना रहा होगा तब भी CO2 भी 3 मोल रहा होगा हाँ हाँ बस हो गया ठीक सर ठीक आ गया सर समझ थैंक यू सर चलिए बाकी और भी ज्यादा डिटेल में हम इसमें भी नहीं जाएंगे हम ये सब चीजें आप बाकी कवर करेंगे जब आपका मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर चलेगा अब हम आपका टॉपिक गैसेस स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस Properties of gases. ये first property है. ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी लेकिन ठीक है. Starting का chapter है तो मैं लिखा देता हूँ. Gases do not have Gases do not have fixed boundary or surface and therefore they tend to fill the pool वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम के लिए स्पेस स्पेस अवेलेबल कंप्लीटली एंड दे डू नॉट हैव फिक्स शेप और बॉल ठीक है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा ड्यू टू लो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस Gases are more intermolecular forces.
intermolecular forces. Gases are more compressible. More pressure as compared to liquids and solids. Liquids and solids. चलिए नोट कर लिए बेटा आप लोगों ने. अब मैं आपको पहला पॉइंट समझाता हूँ. आपसे पहला पॉइंट क्या कहा कि गैसेस के पास कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है और वो पूरा होल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है, या आपको पता है कि जैसे गैस को आप अगर फिक्स करके छोड़ दो, फिक्स करके छोड़ने का मतलब एक जगह रहो, आप किसी कंटेनर में गैस डाल दो, ठीक है, तो जिस कंटेनर में डालोगे उसी का कंप्लीट वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई कर लेगा. एक कंटेनर अगर छोटा है ऐसे कर लेगा, कंटेनर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा ऐसे राइट एंगल शेप बना रखा है, इसमें गैस छोड़ दिया तो गैस इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा. ठीक है, कोई बड़ा सिलेंडर रहेगा तो उसे आपने गैस मॉलिक्यूल भेज दिया तो उसमें भी ऑक्यूपाई करने का मतलब कि कोई फिक्स शेप या बाउंड्री नहीं है. जैसे सॉलिड्स की होती है, सॉलिड में एक क्यूब है, इसके अच्छी खासी शेप होती है, शेप कैसा है, क्यूब है, फिक्स बाउंड्री है, ठीक है, और फिक्स वॉल्यूम है. गैसेस के साथ ऐसा नहीं होता. लिक्विड में ऐसा होता है, लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है, उनका भी शेप वगैरह फिक्स नहीं होता है, लेकिन गैसेस में और लिक्विड्स में वॉल्यूम फिक्स होता है. गैसेस के साथ ऐसा नहीं है. गैसेस को आप जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर का वॉल्यूम भी उस गैस का वॉल्यूम कंसीडर करते हैं. ठीक है, लाइन ध्यान रखना कि जिस कंटेनर में हम गैस को फिल करते हैं उस कंटेनर के वॉल्यूम को ही हम गैस का वॉल्यूम कहते हैं. ठीक है, ओके सर. इस पॉइंट को हम लोग बाद में यूज करेंगे. अभी थर्ड पॉइंट, एक सेकेंड और था. गैसेस को आप जितना कंप्रेस करना चाहोगे उतना लगभग कंप्रेस कर सकते हो, एक एक्सटेंड तक. ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट है कि आपने गैस को इतना दबा दिया कि गैस गायब ही हो जाए, ऐसा नहीं है कि एक एक्सटेंड तक आप कंप्रेस कर सकते हैं. ये हम चैप्टर के बाद में पढ़ेंगे कि किस एक्सटेंड तक हम कंप्रेशन कर सकते हैं. ठीक, थर्ड पॉइंट है आपका द वॉल्यूम ऑफ gases readily decreases with increase in pressure. ठीक है, आपके ऊपर मान लीजिए कंटेनर, इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ, ये मूवेबल पिस्टन है, मतलब
इसको पकड़ के आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो जैसे जैसे इसको आप बाहर से फोर्स लगाओगे, गैस क्या होता है पास पास आता जाएगा, और ज्यादा कंप्रेस कर दोगे तो गैस लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आपका कंटेनर में 10 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके बैठा था, आपने इसको कंप्रेस किया तो पता चला 1 लीटर में ही हो गया। ठीक है, तो गैसेस के वॉल्यूम काफी रेपिडली चेंज होते हैं। इसको हम लोग आपके एक एंडोथर्म का ग्राफ लास्ट में पढ़ेंगे, वहां पे इसको समझेंगे। ठीक है, कि प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे कैसे बदलता है। नेक्स्ट पॉइंट, गैसेस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी व्हिच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, गैसेस के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, आपस में बढ़ते हुए भागते रहते हैं, इसीलिए मॉलिक्यूल इनके भागते रहते हैं। सॉलिड्स में उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती उनके पार्टिकल, इसलिए इनके सॉलिड के पार्टिकल स्टेबल। ठीक है, तो जिसमें ऑब्वियसली बात है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा भागेगा, तो ज्यादा भागेगा तो स्टेबल कम रहेगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एटम्स, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, present in a molecule, gases can be classified as एक हम लिखते हैं monoatomic, diatomic, triatomic, then हम कह देते हैं polyatomic। ठीक है, monoatomic थोड़ा नीचे था इसलिए राइटिंग नहीं बढ़िया बनी है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ। monoatomic पहला है, दूसरा diatomic है, तीसरा triatomic है, चौथा polyatomic है। ठीक है, मोनोएटॉमिक का मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे गैस जिसमें सिर्फ एक एटम प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल के लिए हीलियम। ठीक है, हीलियम आपका मोनोएटॉमिक गैस है, नियॉन आपका मोनोएटॉमिक गैस है, इसमें सिर्फ एक ही एटम है। ठीक है, डायटॉमिक का मतलब जिसमें दो एटम हो, जैसे O2 हो गया, Cl2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे N2 हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गई, ये सारे के सारे क्या है डायटॉमिक है। ट्राइटॉमिक मतलब जिसमें तीन एटम हो। ठीक है, तीन एटम का आपका एग्जांपल ये बताइए, तीन एटम ओजोन, सर ओजोन, ओजोन तो CO3 सर, CO2 और एक और एग्जांपल सर SO3। चार हो गए बेटा, कोई भी नंबर CH4 हो गया, एथेन हो गया, NC2H6 हो गया, आपका SO3 गैस हो गए। ठीक है, PH3 गैस हो गया, फॉस्फीन जिसे कहते हैं। ठीक है, ये सारे पॉलीएटॉमिक एग्जांपल। सर NH3 भी होगा ट्राइड पॉलीएटॉमिक। हाँ, चार एटम है ना।
नोट कर लिया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, पैरामीटर टू डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। पैरामीटर define the properties of gases. ठीक है, सबसे पहले आपका पैरामीटर है प्रेशर। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा भी हमने पढ़ लिया कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, लेकिन गैस मॉलिक्यूल कैसे प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो गैस के बारे में लिखिएगा, गैसेस एग्जर्ट प्रेशर ड्यू टू कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल with the walls of container. ठीक है, मतलब जैसे आपका ये एक कंटेनर के अंदर मैंने गैसेस को बंद कर दिया, ये कंटेनर था, इसे मैंने गैस को क्लोज कर दिया। ठीक, इसमें ढेर सारे गैस के पार्टिकल हैं, ये क्या करेगा, मान लीजिए गैस का पार्टिकल ये भागता हुआ, तो सब के सब रैंडम मोशन में होंगे, ये भागता हुआ जाएगा इस दीवार पे अपना सर मारेगा, सर मारने के बाद फिर वापस आ जाएगा। तो बेटा ये दीवार पे जो सर मारते हैं फिर वापस आते हैं, इसको एग्जैक्टली फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, किसी को पता है? जैसे आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा टेंथ में कि एक क्रिकेटर होता है, बल्लेबाज होता है, वो बैट से शॉट मारता है, तो जो फोर्स जनरेट करता है उस एक स्पेशल टाइप की चीज उसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं फोर्स जो जनरेट करता है उसको क्या कहते हैं? F into delta T फॉर्मूला पढ़ा होगा, और बताओ गधा, प्रेशर नहीं कहते, प्रेशर तो मैंने बता दिया, प्रेशर किसे कहते हैं? F into delta T होता है प्रेशर, इंपल्स का नाम सुना है? इंपल्स का, यस सर। हाँ, तो वो वही तो होता है जिससे बल्लेबाज छक्का मारता है। ठीक है, उसे फ्रैक्शन ऑफ टाइम बहुत कम होता है, लेकिन फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो इस टाइप का इंपल्सिव फोर्स यहाँ लगता है, जैसे आप भागते हुए जाओ दीवार से भिड़ करके वापस आ जाओ, तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ न कुछ उस दीवार पे फोर्स एग्जर्ट किया है। तो इसी टाइप से आपके पार्टिकल छोटे छोटे ही सही, लेकिन ढेर सारे पार्टिकल हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल लेंगे आपके कंटेनर का प्रेशर उतना ज्यादा रहेगा। सिंपल सी बात है, आपने एग्जाम्पल देखा भी होता होगा, घर पे दाल चावल बनाओ, जितने ज्यादा आप गैस तेज करोगे उतने नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल बढ़ेंगे, जितने नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल बढ़ेंगे उतने जल्दी आपके कुकर की सीटी आएगी। हो गया प्रेशर का एग्जांपल। ठीक है, इसीलिए इसको प्रेशर कुकर कहते हैं। ठीक है, तो आपका प्रेशर कैसे एग्जर्ट होता है, गैस पार्टिकल दौड़ के जाते हैं दीवार पे सर मारते हैं, सर मारने की वजह से एक फोर्स मिलता है दीवार को। ठीक है, उस फोर्स का पर यूनिट एरिया आप सेक्शन निकालोगे क्रॉस सेक्शन के साथ, आपको क्या मिलता है, प्रेशर मिलता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, प्रेशर कैसे जनरेट होता है गैस पार्टिकल से,
गैस अपना असर दीवार पे जाके मारते हैं, ठीक है, या फिर लैंग्वेज में बोला जाता है कोलिजन होता है वॉल्स के बीच में और गैस पार्टिकल्स के बीच में, वो जाते हैं उससे टकराते हैं और वापस अपनी जगह पे आते हैं, मतलब फिर वापस दूसरी जगह घूमने लग जाते हैं। जैसे मान लो इससे दीवार पे टकराया, यहाँ टकराने के बाद पीछे की तरफ आएगा, पीछे आएगा इससे टकराएगा, इससे टकराया फिर वापस इधर जाएगा, बीच मान लो कहीं डेविएशन मिल गया तो आराम से खाना खाने चला जाता है, पानी पीने चला जाता है, वो डेविएशन कैसे होता है समझिए। मान लो ये गैस पार्टिकल है, ठीक है, ये भागते हुए जाता अच्छा खासा, मतलब अकेला रहेगा तो बस आराम से इधर जाएगा, इधर दीवार पे सर मारेगा, इधर से भाग के इधर सर मारेगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन इसको रास्ते में इसके दोस्त यार मिल जाएंगे, मतलब और भी गैस पार्टिकल है, मान लो यहाँ पे गैस पार्टिकल, ये भागता हुआ जा रहा था आराम से दीवार पे सर मारने, ये रास्ते में मिला इससे फिर गया, ये इधर जा रहा था ये इधर, तो आप कमरे में देखो कभी दो बॉल को ऐसे टकरा करके देखो, मतलब एक इधर आपने फेंका, एक इधर आपने फेंका, जो इधर वाली बॉल है ये इधर की तरफ जाने लग जाएगी और इधर वाली बॉल वो इधर की तरफ आने लग जाएगी, तो डेविएट हो गए, ठीक है। तो यही मैं कह रहा था कि रास्ते में कोई हिंद दोस्त मिल गया, यार मिल गया, तो आराम से चाय पानी पीने चले जाते हैं, मतलब ये हुआ कि अब ये जो इधर जा रहा था वो किधर भागने लग जाएगा, इधर टकराने के लिए, इधर कोई पार्टिकल मिल गया उससे भिड़ करके ये इधर आने लग जाएगा, इधर कोई मिल गया इससे भिड़ के इधर जाने लग जाएगा, मतलब कैसे भी करके दीवार से ये टकराएगा टकराएगा, क्योंकि इनपे हम कंसिडर करते हैं कि गैसेस की काइनेटिक एनर्जी कम नहीं होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत कम होती है, अभी हम पढ़ेंगे आइडियल और रियल में डिफरेंस थोड़ा सा, लेकिन हम ये मानते हैं कि इन कोलिजन से उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज नहीं होती है, या फिर ऐसे कह लो इलास्टिक कोलिजन होता है, आपको समझेंगे बाद में क्या होता है, ठीक है। तो आपस में भिड़ भड़ करके फिर भी लास्ट में फाइनल दीवार पे सभी मारने पहुंच ही जाता है, चाहे इस पे पहुंचे, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे नीचे, चाहे इस साइड, चाहे इस साइड, सब पे कुछ ना कुछ कोलिजन होगा, अगर कोलिजन होगा तो हर वॉल पे आपके कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जिस्ट होगा, और हम ये गैसेस के केस में कंसीडर करते हैं कि कोई भी वॉल हो सब पे गैस मॉलिक्यूल बराबर सर मारते हैं, मतलब सब पे हर वॉल पे आपके गैसेस के लिए प्रेशर सेम होता है, तो जो कुकर का ढक्कन होता है वो सिर्फ ढक्कन पे प्रेशर नहीं लगाता है, आपके साइड वाले वॉल्स पे भी लगाता है और सब पे वो बराबर प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो ढक्कन पे क्या खुलने का मौका होता है इसलिए खुल जाता है वो, बाकी जगह खुलने का मौका नहीं होता इसलिए रह जाता है। प्रेशर वाली टर्म बेटा समझ में आए सबको? यस सर। ठीक है, प्रेशर की यूनिट मैंने आपको लिखा दी, प्रेशर की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम उसको क्या कहते हैं पास्कल कहते हैं, और हर एक वैल्यू मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। एक और चीज लिखा है, प्रेशर की सीजीएस यूनिट होती है डाइन, वो पिक्चर वाली डाइन नहीं होती है, तो सीजीएस यूनिट प्रेशर की क्या होती है, डाइन के बराबर होती है। इसको हम लोग मतलब केमिस्ट्री वाले नहीं पढ़ते, ऐसे भूत पिशाच वाली चीजें हम लोग नहीं पढ़ते, ये फिजिक्स वाले पढ़ते हैं, ठीक है, ये फिजिक्स वाले आपको पढ़ाएंगे डाइन का यूज कैसे करना है, ठीक है। तो प्रेशर की टर्म हो गई, सेकेंड टर्म लिखिए वॉल्यूम, पहला पैरामीटर हो गया आपका प्रेशर, दूसरा पैरामीटर लिखिए वॉल्यूम, सेकेंड आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, तो अगर मीटर बता देना, टांग देता फोन पकड़ के उठा, ध्यान रखना लीटर का भी एसआई यूनिट नहीं होता है, वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब। चलो दूसरा क्वेश्चन, एक मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं और एक सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। अच्छा, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो ये रहा 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीमीटर। मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब बेटा? 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर।
ठीक है, ये ध्यान रखना आप। कई बार हम गलती से गलत ये कर जाते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml है तो 1 मीटर क्यूब में 1 लीटर के बराबर होगा। इसलिए मैंने पूछ लिया और आप ये चीज ध्यान रखना कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है। ठीक है, तो फिर 1 लीटर किस में होता है? तो आंसर 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर क्यूब को आपको एक और चीज लिखा मिलता है ऐसे सीसी करके। सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये सीसी आपने सुना होगा बाइक की टर्म्स में, 160 सीसी की बाइक है, 250 सीसी की बाइक है, वो आपके इंजन जहाँ पे तेल बर्न होता है उसका वॉल्यूम होता है सीसी। 160 सीसी का बाइक बने मतलब जहाँ पे फ्यूल की बर्निंग हो रही है उसका वॉल्यूम 160 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम हो गया। तीसरे बात है आपके टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के बेसिकली प्रेजेंट में हम 3 चीज यूज करते हैं। एक केल्विन यूज करते हैं, एक डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं और एक आपका डिग्री फारेनहाइट यूज करते हैं। जो थर्मामीटर में जिसमें आपका टेम्परेचर मेजर करते हैं वो फारेनहाइट में होता है, जिसमें आप लोग 100 से ऊपर जाने पे या 98-99 होने पे बीमार पड़ जाते हो। ये वाला टेम्परेचर होता है जो थर्मामीटर पे लिखा होता है। केल्विन में क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं। ठीक है, फारेनहाइट में क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू F minus 32 divided by 9। ठीक है, अब कैलकुलेट करके बताओ अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री फॉरेनहाइट है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री फॉरेनहाइट, तो आपको बताना है कैलकुलेट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में कितना आंसर आएगा? कितना रहा बेटा? अप्रॉक्सिमेट 37.7। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखे अमाउंट ऑफ गैस, फोर्थ पैरामीटर है अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस किसमें रिप्रेजेंट करते हैं,
मोल्स में अमाउंट ऑफ गैस रिप्रेजेंटेड इन मोल्स. चलिए अब गैसेस के कुछ नियम कानून है आइडियल गैसेस के लिए, उनसे पहले हम एक ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं. ठीक है कि ग्राफ कैसे कैसे पॉसिबल होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं. ठीक है चलिए स्टैटिक लिखे ग्राफ्स कैसे चारों चीजें हो गई फॉर्मूले के लिए उन्हें बेस तैयार कर लिया. अब एक और चीज पढ़ लेते हैं ग्राफ्स के बारे में. चलिए पहला आपका मतलब ज्यादातर हमें स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ पढ़ेंगे. आपके दो टाइप के स्ट्रेट ग्राफ हैं, एक आपका ऐसे ग्राफ. ठीक है तो थीटा लिख सकता है और दूसरा आपको ऐसे दिया. इधर y एक्सिस है और इधर x एक्सिस है और इधर से भी. ठीक है ये y है और ये भी x है, तो इसको ये कहते हैं स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है. ठीक है मतलब दोनों ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन का है और दोनों के दोनों ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहे हैं. ये भी 0.0 से पास हो रहा है, ये भी 0.0 से. इस लाइन की इक्वेशन होती है y equal to m into x. ठीक है m आपका क्या है, स्लोप है और इस स्लोप की वैल्यू किसके बराबर होती है, tan theta. ठीक है तो और ये वाला जो ग्राफ है ये ग्राफ है y equal to minus of mx का और इसमें m की वैल्यू किसके बराबर है, tan theta. ठीक माइनस m की वैल्यू. आपको पहचानना कैसे है, आप समझ लो आपको कोई ग्राफ दे रखा हो y equal to 2x का, तो आपको बताना है दोनों में से कौन सा ग्राफ पॉसिबल होगा. ये वाला पॉसिबल होगा, ये वाला पॉसिबल. कैसे, आप x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 आ जाएगी. कैसे पहचानोगे, x equal to 0 पुट करो, अगर y equal to 0 आ रहा है दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जो ओरिजिन से पास कर रहा है. ठीक है और इसका स्लोप कितना है, तो जो यहाँ वैल्यू लिखी होगी वही इस ग्राफ का आपका स्लोप. तो स्लोप की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है तो पहले दोनों पॉइंट पे नाम लिख लीजिएगा, दोनों है क्या, ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन या फिर सिंपल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो दोनों के लिए आपको ग्राफ बता रही है और दोनों के लिए इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एक के mx और एक की माइनस ऑफ mx. ठीक है एक टर्म और यहाँ पे चीज लिख लीजिएगा कि जब थीटा की वैल्यू, पहली बात स्लोप हम कहाँ से मेजर करते हैं, तो स्लोप मेजर करते हैं हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन से. ठीक है स्लोप कहाँ से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब आप यहां से इधर की तरफ थीटा मेजर करोगे. देखो मैंने उसमें भी एरो ऐसे बनाया हुआ है, मतलब मैंने स्टार्ट यहां से किया है, यहां से जहां आपकी लाइन अप्रोच कर रही है उसको हम दौड़ा के पकड़ते हैं. ठीक तो एरो कहाँ रहेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होगा, उसके बाद जिस पॉइंट तक जाएगा स्ट्रेट लाइन के पॉइंट तक हम उसको लेके जाएंगे.
ठीक है, तो स्लोप आपका कहाँ से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। जब भी आपसे पूछेगा स्लोप की वैल्यू होती है या तो एम के बराबर होती है या फिर जो आपका एंगल दिया होगा उसका आपको टेन थीटा निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको 37 डिग्री एंगल दे रखा है, ठीक है, या फिर 30 डिग्री एंगल दे रखा है, तो टेन 37 कितना होता है, 3/4 होता है, और टेन 30 कितना होता है, 1/3 होता है। तो आपका स्लोप पहले केस में कितना आएगा, 3/4, दूसरे केस में कितना आएगा, 1/√3 के बराबर। चलिए बेटा नोट कर लिया, किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलिए दो ग्राफ आपके स्ट्रेट लाइन के हो गए, दो और स्ट्रेट लाइन के हैं उनको भी समझते हैं। बेटा दोनों ग्राफ में डिफरेंस है, ये ग्राफ देखो ऐसे है और वो वाला ग्राफ देखो ऐसे है, दोनों ग्राफ में डिफरेंस है। ये वाला ग्राफ पहली बार देखने में डिफरेंस है, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है। आप इधर की तरफ मूव करोगे तो आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, इसमें आप इधर की तरफ मूव करोगे तो आपको वाई की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। बेटा अभी हम लोग यूज करेंगे इसका, अपने गैसेस इक्वेशन में यूज करेंगे कैसे ग्राफ। अभी जब गैसेस इक्वेशन डिराइव करेंगे तब हम वैल्यू की वेरिएबल वैल्यू के साथ यूज करेंगे। ये दोनों ग्राफ थे स्ट्रेट लाइन के विच पासिंग थ्रू ओरिजिन, दूसरा है स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ है लेकिन विद इंटरसेप्ट एट एक्स एंड वाई। विद इंटरसेप्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। चलिए समझिएगा, एक ये ग्राफ बनाया मैंने, और दूसरा ये वाला था। चलिए अब सबसे पहले आप इसमें ये कमेंट कीजिए कि ये अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर नाम देता हूँ, इसको सेकंड नंबर नाम देता हूँ, आप बताइए किसमें थीटा की वैल्यू या फिर स्लोप किसमें नेगेटिव आएगा, पहले वाले में या दूसरे वाले में? सेकेंड वाले में, ठीक है। इसको हम ऐसे भी देखते हैं, समझाता हूँ। यहाँ से वैल्यू आप यहाँ से इतना लंबा घूम के आएंगे थीटा है, और यहाँ से यहाँ घूम के मेजर करेंगे थीटा। देखिए सबसे पहली बात, टेन थीटा की वैल्यू, ठीक है, जीरो से 90 डिग्री के बीच में, 90 डिग्री छोड़ देना और जीरो छोड़ देना, जीरो से 90 के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और tan थीटा की वैल्यू ये आपको ऐसे लिखो, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है लेकिन आपको पता होना चाहिए,
जीरो से 90 के बीच में क्या होता है पॉजिटिव, और 90 से लेके 180 के बीच में क्या होता है नेगेटिव। ठीक है चलिए अब इंटरसेप्ट के साथ इसको रिलेट करते हैं। देखिए अगर ये ग्राफ ओरिजिन से पास होता तो क्या होता है y equal to minus mx, ये ग्राफ अगर ओरिजिन से पास होता तो क्या होता है y equal to plus mx। पहली लाइन तो आप सेम लिखो, ये ग्राफ किसका है y equal to minus mx का है, और ये भी ग्राफ किसका है y equal to plus mx। फर्क कहाँ रहेगा, अब आपको देखना है कि ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ y एक्सिस पे पॉजिटिव कट कर रहा है या नेगेटिव कट कर रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है ये पॉजिटिव है y एक्सिस पे, किस पे y एक्सिस पे पॉजिटिव में वैल्यू दे रहा है या नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। पहले वाले ग्राफ में आपको ये बताना है ग्राफ जहां पे कट कर रहा है y एक्सिस पे y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। पॉजिटिव ठीक है, तो प्लस आप क्या लिख देंगे ठीक है, और ये सी वैल्यू क्या रहेगी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये सी रहता है, सी आपका क्या रहेगा कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, इसकी इक्वेशन क्या आएगी y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, क्योंकि कहाँ पे कट कर रहा है नेगेटिव वैल्यू कट कर रहा है माइनस सी वैल्यू। ठीक है सी आपका कॉन्स्टेंट है, जरूरी नहीं कि दोनों में सी आपका सेम है, इसमें हो सकता है टू है इसमें हो सकता है थ्री है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, डिफरेंट भी आ सकता है सेम भी आ सकता है कुछ भी हो सकता है। तो जिसमें पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट चलेगा उसमें प्लस सी आप लिखोगे, जिसमें नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट चलेगा उसमें आपको माइनस सी लिखना है। ठीक है इसी का एक छोटा वाई एक और बनता है वो मैं बता देता हूँ, अगर आपका ये ग्राफ ऐसे बना इधर डायरेक्शन से, ये आपका x एक्सिस है ये y है ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है स्लोप देखना है, तो स्लोप देखा तो नेगेटिव था थीटा मतलब 90 से ज्यादा था, यानी सबसे पहले क्या है y इक्वल टू माइनस mx तो आ गया, फिर y इंटरसेप्ट देखो कहाँ है नीचे की तरफ पे, यानी y इक्वल टू माइनस mx माइनस c है। अब इसके छोटे भाई को पकड़ो, यहाँ ले लो, अब इसका थीटा पहले चेक करो, 90 से कम है यानी y इक्वल टू क्या लेगा mx, अब कहाँ पे कट कर रहा है y को पॉजिटिव में कट कर रहा है यानी कैसा आएगा प्लस c। चलिए बेटा नोट कर लिया सबने ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है कुछ पूछना है माइनस एमएक्स इस वाले केस में
कौन से वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसमें है? थर्ड वाले बेटा आप स्लोप बताओ, थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा या कम है? बेटा नेगेटिव पॉजिटिव पता करते थीटा की वैल्यू से, अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है तो स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम है तो स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। चलिए ओके ठीक है। अब दो ग्राफ और पढ़ते हैं कांस्टेंट वाले। एक चीज और आप इन दोनों की खासियत आपको बता दे रहा हूं, अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो आप x की वैल्यू पुट करते हो, और x की वैल्यू निकालनी हो तो y की वैल्यू पुट करते हो। ठीक है, x इक्वल टू जीरो रखने पे y की वैल्यू किसके बराबर आएगी? c के बराबर आएगी। तो अगर आपको ये कांस्टेंट नहीं पता चल रहा हो किसी इक्वेशन में तो आप क्या करना है, x इक्वल टू जीरो पुट कर देना, आपको y की वैल्यू जो भी मिलेगी वो आपकी इस इंटरसेप्ट को, इस इंटरसेप्ट को, इसको, इसको, किसी को भी रिप्रेजेंट कर देगी। ठीक है, वैसे आपको स्ट्रेट लाइन में पता चल जाएगा कि आपका इंटरसेप्ट किस पॉइंट पे है, लेकिन बस नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए ओके, आज के लिए बस इतना करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ e की पावर x md के, अच्छा mx के, बेटा m अभी हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में ज्यादा क्लियर आएगा। कल एक दो मैं आपको न्यूमेरिकल लेके समझा दूंगा, वैल्यूज लेकर के आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके डन, थैंक यू। थैंक यू सर।